सिरोहा निवासी 23 वर्षीय पुष्कर भास्कर शरणगत अपने घर की खराब हालत के कारण पिछले कई दिनों से MSEDCL के एक ठेकेदार के यहाँ काम करने के दौरान अपना घर खो बैठा था। उसे तुमसर के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया। 8 फरवरी को करुण का शव कुटुंबियों को सौंपा गया। पुष्कर ITI का छात्र था और चूंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए परिवार ने सिरोहा गांव में फैले शोक को तोड़ दिया। पुष्कर ITI का छात्र था चूंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान भी था। BCN न्यूज के लिए भंडारा से जितेंद्र पटले की रिपोर्ट।